होती है, और जितने वो डोनेट करेगा, त्याग देगा, उतनी उसकी प्लस आक्सीकरण संख्या होती है। और इसमें क्या है, एक आक्सीकारक और अपचायक पदार्थ निकालना होता है। यदि आक्सीकरण संख्या, अगर हमें बच्चे को निकालनी आ जाए, तो आक्सीकरण संख्या में क्या होता है, अगर आक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है तो आक्सीकरण हो रहा है, तो आक्सीकरण जो कर रहा है उसके बराबर वाला जो है वो अपचायक है, और अगर आक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है इसका मतलब अपचयन हो रहा है, तो उसके बराबर वाला जो है वो आक्सीकारक है। एक समीकरण संतुलित करनी होती है। ये तीन ही चैप्टर में पॉइंट्स हैं और तीनों के तीनों ही आते हैं। ये बहुत आसान चैप्टर है।